This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. जी क्या हाल है आप सबका? ठीक है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है. आप सबको SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के, जो कि एक एक्सक्लूसिव बैच है, इसके लेक्चर नंबर 19 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में जो सिखाया समझाया बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी. अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई कन्फ्यूजन रह गया है, तो आप लोग पूछ सकते हो. आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह. जी सवाल है तो कोई पूछ सकते हैं आप लोग स्टार्ट में ही, ताकि हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करें. जी हाँ जी, असाइनमेंट्स जो है वो साथ साथ आप लोग मुझे दिखाते जो आप लोगों को, मैं व्हाट्सएप पे ही जवाब देता जाऊंगा. व्हाट्सएप इनबॉक्स में आप मुझे सेंड करते जाओ. ईमेल नहीं करना मुझे, आपने व्हाट्सएप पे इनबॉक्स करना. ठीक है. ओके. अच्छा, एक बंदा व्हाट्सएप के ग्रुप में भी बता दे कि लेक्चर स्टार्ट हो गया. जी ठीक. आप लोगों को मैंने जो है राइटर के साथ कैसे आपने बात करनी है, आपने अपना पहला आर्टिकल पब्लिश करने के बाद कैसे आपने साइट को लेके चलना है, साइट मैप सबमिट करवाना है, डाउन टाइम चेकर कैसे लगाना है, कीवर्ड्स की ट्रैकिंग कैसे करनी है, एनालिटिक्स का कोड कैसे लगाना है, मैंने आप लोगों को बड़ा डिटेल में बताया. स्टैट काउंटर रहता था, स्टैट काउंटर का आपने सिंपल एक अकाउंट बना के, फ्री का अकाउंट बनता है इसका, statcounter.com का अकाउंट बना के ट्राई फॉर फ्री पे जाके, इसका कोड भी आपने अपनी वेबसाइट में ठीक है, इस तरह यूज हम इजीली अकाउंट क्रिएट कर लेना, कोई इशू वाली बात होगी नहीं. अकाउंट एक लॉगिन कर लें. एड ए प्रोजेक्ट पे आपने आना है और अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है स्टैट अकाउंट लगाने के लिए. मैं सी पैनल में लॉगिन हो जाऊं.
इंजेक्ट हेडर फुटर के कोड से हम लोग स्टैटिक काउंटर का कोड भी लगाएंगे। ये कोड मैंने किया कॉपी, सेटिंग में आए, कोड क्या है और ये जो नो स्क्रिप्ट है ये हमने रिमूव कर देना है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है और बस ठीक है, सेव कर दिया। जहाँ पर गूगल एनालिटिक्स लगाया था उसके बिल्कुल नीचे मैंने कोड लगा दिया है। तो ये कोड लगाने का एक तो आसान तरीका है इंजेक्ट हेडर फुटर, उसके बाद हम जो है ठीक है ये साइड वेरीफाई हो गया। जितना भी यूजर आएगा ये लिखा आ रहा है Congratulations, Stack Counter has been successfully installed on SCT24 patch. जितना भी यूजर आएगा यहाँ पर काउंट होगा, आपने इसमें आके और रिसेंट एक्टिविटी में आके यहाँ पर आपने देख एग्जिट एंट्री डाउनलोड कीवर्ड सब यहाँ पे मैं तो चलता है। और जो एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स है उस पर अलग एक लेक्चर होगा, उसमें मैं आप लोगों को सारा समझाऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स को कैसे आपने यूज करना है और अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बढ़ानी है। ठीक है वो इंशाल्लाह आप लोगों को उसी लेक्चर में। अच्छा जी ये तो था एनालिटिक्स को इंस्टॉल करने का तरीका। और अगर जब तक हमारी वेबसाइट पर ट्रैकर नहीं लगा होगा हमें अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है हमारी वेबसाइट की, कौन सा आर्टिकल हमारा जो वेबसाइट का है कौन सा आर्टिकल ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, कौन से कीवर्ड्स रैंकिंग में सही तरह आ रहे हैं, सब पता चलता है हमें ये एनालिटिक्स लगा के लाइक स्टैट काउंटर एंड गूगल एनालिटिक्स। अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग। Amazon affiliate marketing क्या चीज़ है? Amazon की अगर मैं Amazon के बारे में अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ कि Amazon क्या है। Amazon एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दुनिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म है Amazon.com। ठीक है Amazon के ट्रस्ट की वजह से हम इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको निकाल के उन पे वेबसाइट बना के उन पे रिव्यू दे के उन पे वेबसाइट बना के और हम पैसे कमाते हैं। तो Amazon क्योंकि एक ऑलरेडी ट्रस्ट वर्थी प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड एक साइट है, लोग यहाँ से आके बंद करके बाय करते हैं तो हम यहीं से प्रोडक्ट्स उठाते हैं और प्रोडक्ट्स लेके हम जो है उनको अपनी वेबसाइट पे रिव्यू के तौर पे पब्लिश करके वहां से इनको ऑर्डर दिलवाते हैं और हमें
उसमें कमीशन मिलता है। पहले कमीशन बहुत अच्छा, कमीशन की जो रेशो थी बहुत अच्छी थी, अभी कोरोना के दिनों में कमीशन जो है देना इन्होंने बहुत कम कर दिया है अमेजोन ने, बट इसकी जो वेबसाइट है वो अच्छी खासी महंगी सेल होती है, और अमेजोन की प्रोडक्ट पे बनाई गई साइट की अच्छी खासी वर्थ होती है। सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेजोन, क्योंकि इसमें सैकड़ों हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं, कैसे इस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए। फॉर एग्जांपल मैं इधर आ जाता हूँ जी, अब इस पर इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, हम कैसे किसी भी प्रोडक्ट को मतलब प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे। बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना एकदम से, जब तक कि हमें पता ही ना हो कि हमारे पास क्या तरीकाकार है। अमेजोन पे जब हमें प्रोडक्ट्स को सेल करना है, अमेजोन पे कैटेगरी है अमेजोन बेस्ट सेलर्स की, अमेजोन बेस्ट सेलर्स। अमेजॉन बेस्ट सेलर्स की जो कैटेगरी है, बेसिकली इस कैटेगरी से हमने प्रोडक्ट्स निकाले। अब जो मर्जी कैटेगरी में हम जाएं, अब ये मैं पता है कि ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छी खासी सेल हो रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इको डॉट, प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। ये प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया है अमेजोन की प्रोडक्ट जिसको मैं प्रमोट करना है। अच्छा जी, इसकी जो रेटिंग है आउट ऑफ 5, 4.7 आउट ऑफ 5, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेटिंग है, क्योंकि ये अमेजोन की अपनी प्रोडक्ट है। इसका नाम है इको डॉट स्मार्ट स्पीकर विद एलेक्सा चारकोल, ठीक है। मैं एक प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, कैटेगरी बनती है ये,
लोगों वीडियोस डाली हुई प्रोडक्ट के बारे में जो कि प्लस पॉइंट। Amazon devices और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में होम, इसके अलावा कुछ आता है इलेक्ट्रॉनिक्स होम। अच्छा ये तो हो गया प्रोडक्ट सिलेक्शन के वक्त क्राइटेरिया, प्रोडक्ट में निकाल ली और प्रोडक्ट अच्छे खासे रिव्यूज इसके निकालू।
यूएसए को टारगेट करेंगे तो हमने मदन पुरोट जनरेशन उसकी कीवर्ड सब चीज सब देखने हैं। कंपटीशन इस पे बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हमें कीवर्ड एक नज़र आया हाउ टू यूज़ इको डॉट थर्ड जनरेशन कीवर्ड का आइडिया मिला हाउ टू यूज़ इको डॉट थर्ड जनरेशन सेल डॉट जनरेशन डॉट go dot third generation review को डॉट थर्ड जनरेशन ये जी लोगों को मिर्ची कीवर्ड मिल गया और वी यूज इको डॉट थर्ड जनरेशन हम इसको यूज कर सकते हैं। आपकी जो भी असाइनमेंट नंबर फोर पार्ट वन पॉइंट फाइव वर्ड्स कीवर्ड पर ईच वर्ड और ये असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे अपकमिंग थर्सडे रात तक जमा करवानी है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग का कंप्लीट जो है साइट बनाना बनाने तक यानी कि रिव्यू पब्लिश करने तक का सिखाऊंगा। ओके जी, ओके अल्लाह।